हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फेस पैक लाई हूँ, जिसको बनाकर आप अपनी स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म कर सकते हैं और फेस को ग्लोइंग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो फेस पैक है दही और एलोवेरा से हम बनाएंगे, जो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देगा आपको। तो मैं आपको यहाँ पर दो नेचुरल रेमेडीज़ बताऊँगी विद एलोवेरा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में मैंने ऑलरेडी ले ली है थोड़ी सी कर्ड, यानी कि दही। दही मैंने फ्रेश लिया है और ये घर का बना हुआ दही है जो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद मैंने लिया है एलोवेरा। तो फ्रेंड्स, जो दही होती है उसमें हल्के एसिड होते हैं जो फेस की गंदगी को साफ़ करते हैं और स्किन को निखारते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पर लिया है एलोवेरा। तो फ्रेंड्स, एलोवेरा आप सभी जानते हैं कितना यूज़फुल होता है। आप चाहें तो बाहर का एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। ये मेरे घर का एलोवेरा है, तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके धो के कट इस तरीके से कट कर लिया है दोनों साइड इसके, और इसका येलो पार्ट आपको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा क्रश कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसका जेल ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, हमें इसको फेस पे यूज़ करने में आसानी होगी। तो ये हमारी स्किन को डर्ट निकालेगा और जो 5 मिनट में हमारे फेस की जो ड्राइनेस है उसको भी ख़त्म करेगा। तो जैसे कि अभी विंटर है, विंटर में तो ये बहुत ही यूज़फुल है हमारी स्किन के लिए, तो आप इसको अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आगे आपको दिखाऊँगी, तो आपको इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको या तो आपको कोई आधी टी स्पून शुगर ऐड करनी है, चीनी, और अगर अच्छा हो सके तो आप चीनी को पीस के चीनी का पाउडर डाल दीजिए इसमें, शुगर पाउडर, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अदरवाइज़ आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका एक स्क्रब भी बन चुका है और एक पैक भी बन चुका है। तो अब देखिए, मैं इसको आपको अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर अपने फिंगर टिप्स पे इसको थोड़ा सा आपको लेना है और अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। और इस तरीके से आपको जहाँ भी फेस पे दाग धब्बे हैं या फिर ड्राइनेस है वहाँ पर इसको ज़्यादा यूज़ कीजिए, और अपने हाथ पर ले लेके इस तरीके से आप अपने फेस की इससे मसाज कीजिए। तो इससे आपका जो फेस है वो क्लीन भी होगा और फेस की जो डर्ट है, पॉल्यूशन है, वो निकलेगा। और कुछ लोगों को घर का एलोवेरा सूट नहीं करता है, तो आप लोग बाहर का एलोवेरा भी ले सकते हैं। जैसे कि पतंजलि का एलोवेरा काफ़ी अच्छा आता है। तो इस तरीके से रब करना है ताकि जो ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाए। तो एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, दूसरा तरीका ये है कि आप एक एलोवेरा को कट कर लीजिए इस तरीके से और उस पर आप शुगर पाउडर डाल दीजिए इस तरीके से, और उसको अपने फेस पे आप इस तरीके से रब कीजिए। मैं आगे आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो शुगर पाउडर है बहुत ही अच्छा रहेगा आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन की जो डर्ट है, पॉल्यूशन है, उसको निकालने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो उसको अपने पूरे फेस पर आप रब कर लीजिए, तो इससे आपका फेस बहुत क्लीन हो जाएगा और ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी। और ये 5 मिनट की रेमेडी है जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से रब कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको इसको अच्छे से अपने फेस पे रब कर लेना है और ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। और ये देखिए, आपका फेस बहुत ही क्लीन हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसको आपको रब करने के बाद इसको अपने फेस पर ऐसे ही अप्लाई करके छोड़ दीजिए। जो दही का फेस पैक बताया था मैंने आपको, उसको भी आप 5 से 10 मिनट अपने फेस पर छोड़ दीजिए, और इसको भी आप 5 से 10 मिनट अपने फेस पर छोड़ दीजिए। इससे ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी और आपका फेस बहुत ही क्लीन हो जाएगा। तो धीरे धीरे आपको ये काम करना है और आपका फेस बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देगा आपको। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको यूज़ करना है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।